कहीं आप भी फ्लू को कॉमन कोल्ड समझने की गलती तो नहीं करते? तो जानिए, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, सर्द हवाएं चल रही हैं, तापमान भी नीचे है। बदलते मौसम में अक्सर कई बार सर्दी जुखाम गले में दर्द हो जाता है। ऐसे में लोग समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें कोल्ड हुआ है या ये कोई फ्लू का असर है। सर्दी और फ्लू दोनों ही वायरस से होने वाली बीमारी है। ये दोनों बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को प्रभावित करती है, लेकिन हम अंतर ही नहीं समझ पाते हैं क्योंकि दोनों के सिस्टम्स एक रहते हैं। फ्लू और सर्दी के बीच सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि फ्लू में आमतौर पर ज़्यादा गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, इसके दुष्प्रभाव भी ज़्यादा होते हैं। फ्लू अक्सर सर्दी से भी ज़्यादा होता है, वहीं सर्दी के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं, लेकिन फ्लू के लक्षण अचानक शुरू हो जाते हैं। सर्दी का असर धीरे धीरे होता है और वो एक हफ्ते से 10 दिन तक में ठीक हो जाती है। हालांकि इसके लक्षण 2 हफ्ते तक रह सकते हैं, जबकि फ्लू के लक्षण जल्दी दिखते हैं और जल्दी ही गंभीर भी हो सकते हैं। आमतौर पर फ्लू 1 से 2 हफ्ते तक चलता है। अगर फ्लू की आशंका है तो लक्षण दिखने के 48 घंटे के अंदर आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। कोल्ड के लक्षण, अगर आपको कोल्ड है तो यह लक्षण दिखाई देंगे: बहती या भरी हुई नाक, गला खराब होना, बार बार छींक आना, खांसी, सिर दर्द या बदन दर्द, हल्की थकान होना। फ्लू के लक्षण, अगर आपको फ्लू है तो आपको यह लक्षण दिखाई देंगे: सूखी खांसी, तेज बुखार, गला खराब होना और ठंड से कपकपी और गंभीर मांसपेशियों या शरीर में दर्द, सिर दर्द, हफ्तों तक थकान रहना, उल्टी, दस्त होना। सर्दी का इलाज कैसे करें? सर्दी वायरल या संक्रमण है, इसलिए इसका इलाज में एंटीबायोटिक्स प्रभावी नहीं है। हालांकि कई एंटीबायोटिक हैं जो दर्द और सर्दी के दूसरे लक्षणों से राहत दे सकते हैं। आमतौर पर सर्दी 7 से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। अगर 10 दिन के अंदर सर्दी में सुधार नहीं होता है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कैसे करें फ्लू का इलाज? फ्लू के इलाज के लिए तरल पदार्थ और आराम सबसे बेहतरीन इलाज है। खूब तरल पदार्थ पीना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से एंटीवायरल ड्रग ले लिया जा सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक, साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।